तो पावर बीआई में हमने बात की इंटरफेस की कि पावर बीआई का क्या इंटरफेस होता है, कैसे ये परफॉर्म करता है, कैसे यूज होता है वगैरह। पावर बीआई के हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होता है डेटा कनेक्टिविटी का होता है। आप ने एक्सेल से और अदर सोर्सेज से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम आपको वन बाय वन सारे सोर्सेज से डेटा को कनेक्ट करने के सिखाते हैं। जैसे कि हम इससे पहले एक दो बार एक्सेल से भी डेटा को कनेक्ट कर चुके हैं, तो एक्सेल से भी आप इजीली डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साथ एक टेबल ले सकते हैं, एक सीट ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा कनेक्ट करते समय आप देख लीजिएगा कि कोई डेटा ब्लैंक ना हो, ओके, करेक्ट। और डेटा सही परफॉर्मेंस में हो। अब जैसे ये देखिए, अभी जो डेटा हमने लोड किया है उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जहां तक मेरा अनुमान है। क्या प्रॉब्लम है, चलिए आपको बताते हैं। इसके नीचे डेटा के नहीं, ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है नीचे कुछ टाइप होता है तो वो भी आ जाता है। अब आपके बात करते हैं कि अगर हमने इससे ले लिया है, एक्सेल से लिया है, तो उसमें क्या क्या कैटेगरी है। तो मोड पे आते हैं हम, यहाँ गेट डेटा के मोड पे, जहां पे कैटेगरी के हिसाब से आपकी डेटा कनेक्टिविटी दिखेगी। जैसे हमने अभी एक्सेल से डेटा को कनेक्ट किया, दूसरा सीएसवी या टेक्स्ट फाइल से, नोट पैड की फाइल से। तो कभी कभी क्या होता है कि डेटा हमारा नोट पैड पे आता है। अब डेटा नोट पैड में कब किस सिचुएशन में आता है, कुछ आइडिया है सर आपको? कोडिंग के फॉर्म में नहीं, कोडिंग के फॉर्म में नहीं होता है, या फिर क्योंकि है। सीएसवी जो जो आपका टीएक्सटी फाइल जो बन जाती है, हाँ, टीएक्सटी फाइल कब बनता है, मतलब कि रीजन क्या है बनने का। टीएक्सटी फाइल जो हम सॉफ्टवेयर से आउटपुट एक्सपोर्ट करते हैं डेटा, समटाइम्स वो लार्ज होने की वजह से टीएक्सटी फॉर्म में आता है। यहाँ वो होता क्या था कि अभी तो अभी अभी हमारे इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी हो गई है और हमारा सिस्टम लेकिन ले, हमारा ले, अच्छी लेकिन कैपेसिटी एक्सेल का का। तो एक वो है ना कि 10 लाख से ज्यादा नहीं करेगा। हाँ, तो पहले क्या था कि मेल पे हमारे 2 MB 10 MB का ऐसे साइज हुआ करता था, तो उस समय एक्सेल फाइल काफी लार्ज में हो जाता था, क्योंकि एक्सेल फाइल सिर्फ डेटा नहीं, उसके फॉर्मेटिंग, उसकी प्रॉपर्टी, सब चीज कैरी करता था। करेक्ट। उसलिए हमें नोट पैड में डेटा को दिया गया, नॉन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में डेटा डाला गया, ताकि डेटा सही फॉर्मेट में आए। दूसरा, एक्सएमएल की फाइल हो, या फिर अब होता क्या था कि कुछ सॉफ्टवेयर एक्सेल को सपोर्ट करते थे, कुछ सॉफ्टवेयर एक्सेल को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन यूनिवर्सली सारे सॉफ्टवेयर या वेब या डेटाबेस नोट पैड टीएक्सटी फाइल को सेव करते थे, राइट सर? तो अब जैसे कि टीएक्सटी फाइल जब होता है तो बेसिकली वो दो तरीके के होता है, कॉमा लिमिटेड, डिलिमिटेड और टैब लिमिटेड। अभी पता चला है आपको आइडिया है कि कॉमा डिलिमिटेड क्या मुझे होता पता है लेकिन मेरे को डिफरेंस नहीं पता है इसमें, टेक्स्ट डिलिमिटेड और कॉमा है? मैं डिलिमिटेड, आपको सीएसवी डिफरेंस और वो, और सीएसवी भी वैसे कई टाइप की होती हैं। देखिए बताता हूँ। जैसे कि हमारा डेटा लगा है, राइट, तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा और टैग दिया, यहाँ पे मैंने रॉ नंबर दिया, टैग दिया, मार्क्स दिया, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए नेम दे रहे हैं पूजा, टैग 1, मार्क्स। तो ये जो डेटा हुआ टैग लिमिटेड हुआ, मतलब कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो सेपरेटर है वो टैग कैरेक्टर ठीक है। है, समझ गए? जब ऐसे फाइल को जब लोड करेंगे तो यहां हमारा ऑटोमेटिक टैब आ जाएगा, या फिर आपको टैब करेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। हाँ दूसरा होता है कॉमा, जैसे ये देखिए दिख रहा है आपको ना, सीएसबी जो है या नोटपैड पे भी बनाते हैं, सीएसबी बनाते हैं, कॉमा डिलीमिटेड होता है, मतलब कि वहां पे इस तरह से होता है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का जो सेपरेटर होता है वो इस तरह से कॉमा के साथ। लेकिन हम जो नोटपैड में फाइल सेव करते हैं वो तो सीएसवी और मतलब ये नहीं होती शायद, टेक्स्ट सेपरेटर और ये, क्योंकि वो तो टेक्स्ट ही होती है। ये फंक्शन तो एक्सेल में होता है ना कि आपको फाइल टाइप सेव करने का। डेटा टेक्स्ट नंबर की बात नहीं, बात यह है कि डेटा को, क्योंकि यहां जब आएगा डेटा तो यहां पे स्प्रेडशीट पे आएगा ना सर, करेक्ट। तो स्प्रेडशीट पे आने के लिए बाद रो कॉलम कैसे क्रिएट करेगा, तो जो एंटर है मतलब एक पैराग्राफ कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, उससे रो से क्रिएट हो जाता है। कॉलम कैसे क्रिएट करें, तो कॉलम को सेग्रीगेट करने के लिए
माने कि समझता है, दो तरीके लेता है कि भाई किस टेस्ट के बीच में क्या है। टेक्स्ट टू कॉलम आप एक्सेल में पढ़े थे ना, टेक्स्ट टू कॉलम समझिए एक तरह से कि कौन से डेटा को कौन कॉलम में रखेगा। तो कॉलम सेपरेट करने के लिए दो चीजें पड़ता है, एक तो कॉमा पड़ेगा या फिर वो टैब पड़ेगा, राइट? समझे कि नहीं आप? ठीक है, समझ गया। तो कॉमा, लेकिन ये क्या होता है कि आपका डेटा किस मोड में होगा ऑटोमेटिकली आपका ये जब डेटा इंपोर्ट करेगा तो ले लेता है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि डेटा नहीं समझ पाता है, तो यू कैन सेग्रीगेट हियर, यहाँ अपना सेग्रीगेट कर सकते हैं कि आपका कौन सा है। इसमें कॉमा लिख दिया, कॉमा सेग्रीगेटेड हो गया। अब देखिए कॉमा के हिसाब से आप यहाँ पे शायद देखे होंगे अगर टाइप किया होगा तो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है आपको सर, डेटा क्या है कॉमा में है ना सर, कॉमा पूजा कॉमा सबमिट 9 कॉमा दिख रहा है ना। यहाँ ना सिक्वेंस है 1 2 3 का सिक्वेंस, ऊपर आईडी का 1 2 3 का सिक्वेंस है। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा करूंगा तो उस कॉमा के हिसाब से अलग अलग कॉलम में डेटा को डाल देगा। हाँ, वो टेक्स्ट टू कॉलम कर देगा बेसिकली, समझ गए? हाँ समझ। मैं इसको लोड करता हूँ, ये आपका लोड हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब जो तीसरा पार्ट आता है वो आता है पिवट का, सॉरी माफ कीजिएगा पीडीएफ का। तो पीडीएफ देखिए सारी तरह हर तरह के पीडीएफ को ए स्टोर नहीं कर पाता है, नहीं ले पाता है। पीडीएफ किस तरह का ले पाएगा मैं एक बार एक पीडीएफ जनरेट करके आपको बता देता हूँ, ठीक है? सेल्स लिस्ट वाला किस तरह के पीडीएफ को लेगा, जैसे कि यहाँ मेरे पास पीडीएफ डेटा है मान लीजिए इस डेटा को मुझे पीडीएफ में, पहला चीज है कि पीडीएफ वो लेगा जो कि कन्वर्टेड होगा ना कि स्कैन होगा, मतलब फोटो फोटो वाले को नहीं लेगा ना, इमेज नहीं लेता ना वो। वो मतलब क्या है ना कि हम लोग स्कैनर से प्रिंट आउट को स्कैनर से स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो पीडीएफ की फाइल तो होती है लेकिन पीडीएफ के अंदर डेटा नहीं इमेज होता है, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर से कन्वर्टेड होता है। जैसे हमने सेव एज एक्सेल का कर लिया या वर्ड का कर लिया या और भी सॉफ्टवेयर से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव एज कर लिया, तो वहां पे आप कर सकते हैं। दूसरा समझने की बात है कि पीडीएफ जब डबल क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, अगर टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है इसका मतलब है कि ये कन्वर्टेड है ना कि स्कैन, करेक्ट? और पीडीएफ के अंदर जब डेटा इंपोर्ट होगा तो पीडीएफ के अंदर जो टेबल होगा ना वही इंपोर्ट होगा, पूरा का पूरा पीडीएफ इंपोर्ट नहीं होगा, टेक्स्ट पीस जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा, सिर्फ टेबल पिक करेगा। बट अगर 3-4 टेबल छोटा छोटा जैसे बना देते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 टेबल जितना टेबल होगा उतना आ जाएगा। अब जैसे कि ये जो अभी मान लीजिए इस डेटा को हमने कुछ नहीं किया, इसको सेव एज पीडीएफ कर दिया, ऐसे ही नॉर्मली हमने क्या किया इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट चली गए, हमने इसको पीडीएफ में सेव कर दिया, सिंपल सर। तो आपके सामने देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर? अब ये डेटा को अगर हम लेके आते हैं पावर बीआई में तो डेटा सही फॉर्मेट में नहीं आएगा, समझे सर? हमने यहाँ पे पीडीएफ को सिलेक्ट किया है कनेक्ट, और ई हमने तो जितने पेजेस है ना सर उतने पेजेस का टेबल दे देगा, दिख रहा है सर? हाँ मैं समझ गया। देखिए कुछ यहाँ पे देखिए टेबल 1 2 3 दिख रहा है, वन टेबल वन पेज वन, इसमें हेडिंग को भी नहीं लिया हुआ, दिख रहा है आपको सर? तो ये आपका डेटा कंपाइल नहीं होगा, अलग अलग टेबल अलग अलग फॉर्मेट में आ जाएगा, क्लियर है? और बहुत सारे केसेस में नल भी है, देख रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पे देखेंगे नल, दिख रहा है आपको सर? तो इन सबों को सही करने के लिए आपका जो पीडीएफ कन्वर्ट होगा, सबसे पहले पीडीएफ के अंदर आप जो है लाइनिंग का इस्तेमाल करें, ठीक है? बॉर्डर का,
बॉर्डर इस्तेमाल करें और आप देख लें कि कोई कॉलम का जो कोई डेटा जो है ना वो कट नहीं रहा, समझे? मतलब कट नहीं रहा है, मतलब डिजिटल है जो होता है, छोटा हो गया तो आधा दिखा आधा नहीं दिख रहा है, तो फिर उसको नल ले देगा, अच्छा मर्ज कर देगा, ठीक है। दूसरा, पहले आप इसकी प्रिंट प्रीव्यू पे करें। अभी देखिए अगस्त तक ही डेटा आ रहा है ना, तो जिस कारण से क्या होगा कि जो बाकी का डेटा जो है सितंबर अक्टूबर का वो अगले टेबल पे चल जाएगा, अगले सीट, हाँ, नेक्स्ट पेज अगले सीट पे जाएगा, तो अगले पेज पे चला जाएगा। इसका मतलब है क्यों अगले टेबल में चला जाएगा। तो यहां आप कोशिश करें कि डेटा का जो स्केलिंग है उसको आप कर दीजिए फिट टू वन पेज, नहीं फिट ऑल कॉलम ऑन ऑल पेज, ठीक है, राइट सर? ठीक है। उसके बाद एक काम और करना चाहिए कि डेटा मेनू बार में जाना चाहिए, और डेटा मेनू बार में जाने के बाद इसमें डेटा माफ कीजिए डेटा नहीं पेज लेआउट में प्रिंट टाइटल, प्रिंट टाइटल में क्या होगा कि अगर आप उसकी टाइटलिंग ले लेते हैं तो अब क्या होगा कि प्रिंट हर पेज पे समय हर पेज पे आपको उसका हेडिंग दिखेगा। लेकिन हम इसको ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमारे पास तो बेसिकली पीडीएफ बना बनाया है ना। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ किस तरह के पीडीएफ में आपका डेटा आ जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बट अगर वो पीडीएफ मेरा बीआई सपोर्ट नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते? जी हाँ, जी हाँ। देखिए अब मेरे पास जो पीडीएफ बना है, पीडीएफ में डेटा विजुअल है, लाइनिंग है सारा, और इसमें हेडिंग है, और पीडीएफ कई पेज में है तो हर पेज का हमारा हेडिंग है ना सर? और हर पेज का अपना हेडिंग है। अब इस पीडीएफ को अब मैं अपने पीआई में लेके आता हूँ, अब इसमें क्या होगा मैजिक देखिए, इसने सारे पेजेस दे दिए यहाँ पे और देख रहे हैं कहीं पे नल नहीं है, नहीं ना सर? नल नहीं है, नल कहीं पे नहीं है, और सही तरह से अरेंज है, इसे एक्सेल का डेटा अरेंज है। अब ना सर ये तो अलग अलग पेजेस दिख रहा है ना, ऊपर देखिए 1 2 3 दिख रहा है सर। हाँ, आपके पावर बीआई ने हेडिंग को कैच किया, ठीक है, और सेम हेडिंग होने के कारण सारे डेटा को एक सीट में मतलब एक टेबल में मर्ज कर दिया। क्लियर है, समझे? तो अगर आपके पीडीएफ में छोटे 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 कई सारे टेबल्स हैं, राइट, लेकिन सारे टेबल का हेडिंग अगर सेम है तो यहां वो कंपाइल कर देगा। ठीक है, ठीक है, समझे? मैं समझ गया, मतलब एक के नीचे एक लगा देगा, बेसिकली हेडर एच लुकअप लगा देगा एक तरह से। फिर मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां से लोड कर देता हूं, आपका डेटा लोड हो जाएगा, राइट सर? क्लियर है। तो पीडीएफ में कैसे डेटा आएगा समझ में आ गया आपको? क्या कमी है, किस तरह का पीडीएफ होना चाहिए, समझ गए जी? क्या हम कोई एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं जो इसमें ऑटोमेटिकली पीडीएफ ही हो, जैसे हमारा? मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक कोई भी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ना, टेक्स्ट रिपोर्ट इन हाँ डॉट आएगा, नहीं रिपोर्ट इन .pdf, हाँ अब आ जाएगा। ये बहुत बड़ा हो जाएगा जी, इसको देखिए है ना सर, तो इसी पीडीएफ को लेते हैं, ठीक है। बट इसमें 18 पेज हैं, तो 18 पेज में से वो सिर्फ उनको स्किप कर देगा, बाकी उनको वही दिखाना है ना वो क्या कर रहा है। हाँ ठीक है,
यही होगा ना टेम्पल को। हाँ देखिए सर, एक तरफ से टेबल रीड किया वो अलग है और यहाँ पे पेजेस रीड किया है सर। तो इसमें क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि पेज नंबर 3 में देखिए दिख रहा है सर। जो हाँ जो टेबल का पार्ट है वो ही ये पिक कर रहा है। अच्छा सर एक चीज बताइए, जैसे हमने इंटरनेट से कोई टेबल कॉपी किया ठीक है, उसको एक्सेल में पेस्ट किया, तो अब कई बार क्या होता है उस एक्सेल में पेस्ट होने के बाद उसके आगे पीछे स्पेसेस आ जाते हैं, तो उन स्पेसेस पे का भी अगर हम अगर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो क्या वो स्पेसेस भी फिर उस पीडीएफ में आ जाएंगे? हाँ, तो सेल में जो वैल्यू है वो पीडीएफ में जाएगी, जो पीडीएफ में है यहाँ आएगी। तो उन पे स्पेसेस को क्या मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है? हाँ, उसके अलग अलग तरीका है, डेटा क्लीनसिंग मेथड होता है, क्लीन क्लीन लगा दीजिए या फाइल में रिप्लेस कर दीजिए, वो डेटा के ऊपर अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। ठीक है सर, जी ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चाहेंगे तो हम ये वाली सिर्फ ये वाली इंपोर्ट कर लेंगे। पर समझ में आ गया कि पीडीएफ पे कैसे वर्क करता है सर। हाँ एक मिनट, किसी पेज पे क्लिक कीजिए, एक मिनट इसको नीचे आके मेरे को पेज का देखना है, पेज पे क्या कंटेंट उठा रहा है ये। वही सेम टेबल में किया सर। अच्छा मतलब सिर्फ ये उठाएगा टेबल ही, हाँ, चाहे वो इसमें यहाँ पेज, पे इसने तो इन दोनों में इसे फर्क क्या है पेज में और टेबल में? पेज नंबर 3 है ना, इसने पेज नंबर 3 पे कई, देखिए हुआ क्या है, पेज नंबर 3 पे हम आते हैं, इसने देखिए पूरा डेटा ले रहा है, देखा सर। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पेज नंबर 3 के जो अलग अलग छोटे छोटे टेबल्स थे ना, उसको अलग अलग यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया सब पेज नंबर 3 अच्छा, इसने सिर्फ टेबल पिक कर रहे हैं, उसमें उसमें पूरा पेज का कंटेंट पिक कर लिया, पेज के अंदर जो भी टेबल फॉर्मेट में सब ले जो लिया। भी टेबल था सब कुछ ले लिया उसने। ठीक ठीक है, है क्लियर सर है? तो पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं और जैसा पीडीएफ पे बिहेव करता है ना, सेम हमारा वेब पेज पे बिहेव करता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया और एक सर्च कर रहा हूं वर्ल्ड मोबाइल यूजर बाय करके, राइट, और ये विकिपीडिया का मेरा याद हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट टेबल है पार में ही मिला, राइट, इस सीट से, तो इसको हम कॉपी करते हैं और चले जाते हैं वेब में, यहाँ पे फ्रॉम वेब दिखा होगा, वेबसाइट डालते हैं, ओके करते ही क्या बोलेगा, ये पूछेगा कि इसमें पासवर्ड पूछेगा, अभी नहीं पूछा पर ना पूछेगा यूजर आईडी पासवर्ड, क्योंकि मैं एक बार इस आईडी को मैं कई बार यूज कर चुका हूँ ना सर, इसलिए, जी और ना आपसे पूछेगा एनीवन या लॉगिन या एपीआई। तो यहाँ देखिए, देखिए सर, तो इसने टेबल देखा कि टेबल क्या है, ठीक है ठीक है, और फिर यहाँ पे और भी जो है बहुत सारे टेबल्स इसको मिला वो दे दिया। अब आप अपने हिसाब से इसको जो चाहिए वो ले सकते। ठीक है। इसमें सर ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने यूआरएल डाला, बट कई बार ऐसा होता है कि यूआरएल्स पे जो रिपोर्ट्स होते हैं जो नंबर्स होते हैं वो पब्लिश होते हैं विद द टाइम, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इस यूआरएल से डेटा उठाना है लेकिन 6 बजे का उठाना है, सिर्फ छह नहीं बजे ही नहीं उठाना है? ऐसा ऐसा नहीं है, जो पेज पे व्यू करेगा वही उठाएगा सर। अच्छा जो वेब पेज पे व्यू होगा वही क्रॉसली अपडेट हो जाएगा, बट ऐसा जैसे नहीं होगा कि वो जैसे कि मान पर्टिकुलर। लीजिए कि मैंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट डेटा मैं सर्च किया, ठीक है, अब स्टॉक मार्केट सर्च किया तो money.com है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि मनी कंट्रोल भी है, NSE इंडिया भी है। अब जैसे कि ये जो आया यहाँ पे बहुत सारे दिख रहा है आपको कि ये है, ठीक मनी मेट्रो, इस पर आ जाते हैं मनी मेट्रो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट है, मार्केट में हम आते हैं और हम मार्केट में मान लीजिए कि ऑल स्टेटस,
ये आपका पीएससी यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं। कम ही है इसका, और मोर पे क्लिक किया मैंने ऐसा। यहाँ पे जो कैटेगरी है कि किसका क्या है ना, यहाँ पे टॉप गेनर टॉप और ये दिख रहा हो मैं कैटेगरी। समझ गया वो मुझे पता है कि ये लेकिन रिफ्रेश कितनी देर में करेगा, जैसे जैसे साइट पे रिफ्रेश होगा वैसे अब वैसे हम वहीं तो पे कुछ भी। कर सकते हैं, इसे रिफ्रेश खुद रिफ्रेश नहीं करे, इसे ये देखे मैंने देखे। अब मुझे ये डेटा लेना है, क्या डेटा ला सकते हैं? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पेजेस चेंज करने वाला झंझट ना हो, सारा जो भी एक पेज पे दिखेगा ना सर वो लेगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक मैं इसको इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ आता हूँ वापस पेजेस। और पेज के भी टेबल को ही बिहेव करता है सर। अभी देखा आपने सर, इसने बोला कि कोई इसमें कोई विंडोज ऑथेंटिकेशन लेके चलना है, यूजर नेम पासवर्ड है या बेसिक है, मतलब बेसिक यूजर नेम पासवर्ड है या कोई वेब एपीआई वगैरह है या फिर ये आपको साइन इन करना है, दिख रहा है सर? समझे? तो जी तो क्या आप इनमें कनेक्ट कर इसमें डालना नहीं है मतलब पासवर्ड वगैरह कुछ है, बिना पासवर्ड डाले भी कनेक्ट कर नहीं देगा। डालना, बाकी अगर कोई और पेज है उस पर डालना पड़ेगा। दूसरा ये वो सर्वर आपका सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखना होता है। देखिए एक टेबल, इसमें से टेबल सर्च कर रहा है और इसमें देखिए टेबल व्यू भी है और यहाँ पे वेब पेज व्यू भी है, मतलब टेबल से समझ नहीं पा रहे हो कौन सा टेबल है तो वेब पेज में जाके आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हैंग हो रहा है। इसके अंदर इसने बहुत सारे टेबल को देख लिया सर। अब आपको जो टेबल चूज करना है उस टेबल आप चूज कर सकते हैं इसमें से। लेकिन ये लाइव अपडेट नहीं करेगा ना। लाइव अपडेट करेगा ना, बताता हूँ। जैसे मैं टेबल वन को ले लिया, ठीक है, क्लिक किया और इसको हमने हो गया। यहाँ पे आ गया आपका टेबल वन, टेबल वन तो ये आ गया डेटा। अब इसका बोला कि लाइव अपडेट करेगा कि नहीं करेगा, लाइव अपडेट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ टेबल टू यहाँ पे होम में आना होगा। यहाँ आपको दिख रहा है रिफ्रेश थ्री, यहाँ रिफ्रेश, ठीक है। अच्छा, अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये वहां से उठा लेगा ये। ठीक है, ठीक है। यहां पे रिफ्रेश करना होगा, रिफ्रेश करते हो ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा सर। हाँ मैं समझ गया, ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, और ये रिलेशनशिप भी बखुद अपने आप जनरेट कर लेता है, कोई तो फील्ड अगर मिल जाता है जब डेट का डेट मिल गया ना तो इसके साथ इसने डेट को आईडी से रिफ्रेश कर दिया, लिंक कर दिया सॉरी, हाँ मैं वो तो रिलेशन आप क्रिएट। यहाँ से इसको डिलीट कर सकते। और जिसको सिंगल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे आ जाएगी, जैसे नाम वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से अपना टेबल का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन अगर कोई लॉग इन वाली वेबसाइट का डेटा कैसे आएगा? जैसे कि मैंने फेसबुक, फेसबुक में मेरे पास मान लीजिए
ये मेरी वाइफ का अकाउंट है ना, मैं ये लिस्ट चाहिए फ्रेंड्स का, तो आते हैं। चलिए, हालांकि मैं इससे पहले कभी किया नहीं हूं, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, अगर नहीं होगा तो प्लीज हंसिएगा मत। नहीं कोई बात नहीं। हमने इसको पेस्ट किया एंड ओके। ओके करने के बाद ये लॉगिन मांग रहा, तो मैंने इसको बेसिक लॉगिन किया यूजर नेम पासवर्ड से, ठीक है। तो यूजर नेम है ACTI.MUZ@gmail.com। नहीं आए नहीं, इसमें नहीं। वो एडमिन चल रहेगा, वो एक्चुअली दोनों सेम प्रोडक्ट नहीं है ना, फेसबुक डिफरेंट प्रोडक्ट है और बी आई डिफरेंट प्रोडक्ट है। ले लेता था, पता नहीं किसको होता था। इसमें एक्सेल में हम लाते थे, लिंक्डइन से भी लाते थे, इससे भी लाते थे। देखते हैं क्या सच कर देता है मेरे गेट। कुछ हुआ सर, मैंने दिया, ठीक है सर। तो अब जो है मैं कोशिश करूंगा राहुल जी कि आप अपने एंड से डेटा को कनेक्ट करके देखिए, अलग बहुत सारे वेबसाइट से, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ से, राइट सर। ठीक है राइट सर उसके बाद एक्सएमएल की फाइल है, जेसन की फाइल है, उनसे भी कनेक्ट करके देखिए। जेसन कैसे होता है? जेसन तो मेरे से खुलता भी नहीं है। जेसन आपका ये होता है जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। नहीं एक्चुअली वो आईटीआर में मैंने देखी थी जेसन डाउनलोड, वो मैंने डाउनलोड किया बट वो ओपन ही नहीं। जेसन की फाइल खोलने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली खुलेगा। हाँ तो इम्पोर्ट करके ही तो खोला, मतलब पहले डाउनलोड किया ना मैंने। हाँ, डाउनलोड करने के बाद जब डेटाबेस में जाएंगे ना, यहाँ पे होता है फ्रॉम फाइल जेसन, ठीक है। मेरे पास नहीं है फाइल, हमें फाइल सेलेक्ट कीजिए, बाकी सब चीज सेलेक्ट चलेगा। ठीक है मैं ट्राई कर लूंगा, जैसे तो फाइल मिल जाएगा। ठीक है, छोटा ही। तो ठीक है सर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में हम बात करेंगे फोल्डर्स के अंदर जितने भी फाइल है सबका डेटा क्लियर करके कैसे आ जाए, उनके बारे में बात करेंगे, बाकी डेटाबेस से बात करेंगे। ठीक है सर ओके।